हाय, वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट. आई एम एट नूर स्टड फार्म टेंट इन पुष्कर फेयर और आई एम विद वन ऑफ द गाइस हु इज एट द टेंट. गुड आफ्टरनून सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई हनी है. हनी भाई, आर यू द ओनर ऑफ द नूर स्टड फार्म? आप नो ओनर हो? वन ऑफ द ओनर्स? नो, मेरे चाचा जी सनी गिल जी, और ये नूरगढ़ स्टड फार्म है, मेरे छोटे भाई के नाम पे रखा है हमने. तो नूर जो है वो मेरे छोटे भाई, छोटे भाई का. ओके, नूर यानी जैसे नूरानी चेहरा होता है. बिल्कुल बिल्कुल, इसे कॉमन मिडिल नेम है और पंजाबी में. बिल्कुल बिल्कुल, उसका नाम है नूरेंद्र सिंह, नाम है उसका नूरेंद्र सिंह गिल, उसके नाम पे हमने रखा है नाम नूरगढ़ स्टड फार्म. सर, ये गोल्डन रॉक वगैरह यहीं पे आपके? ये गोल्डन रॉक घोड़ा, ये मेरे पीछे खड़ा है गोल्डन रॉक, ये गोल्डन रॉक है. हाँ जी, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जनरली आई डोंट अपलोड लॉट ऑफ फोर्सेस वीडियोस, लेकिन जब मैं डालना शुरू किया मेरे सब्सक्राइबर्स जो है मेरे भाई ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. सही है, इसकी वीडियो बना. बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात बताए थोड़ा थोड़ा सा आगे ताकि पूरा पूरी बॉडी नहीं देख. तो टेंट जो है आपका सर, हाँ जी, क्यों अलग है दूसरे टेंटों से वो बताइए. यहाँ के घोड़े, व्हाट इज सो स्पेशल? सबसे स्पेशल तो हमारे पास गोल्डन रॉक है भाई, जो इंडिया का आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टैलियन है ये. वन ऑफ द बेस्ट स्टैलियंस, स्टैलियन है ये. ओके, और इसकी स्पेशलिस्ट ये है कि आप देखोगे बहुत सारे घोड़े ऐसे होते हैं जो रिंग में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ब्रीडिंग के लिए अच्छे नहीं रहते. या तो ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, वो घोड़े रिंग का काम नहीं करते. सर क्या मतलब है, आप बताओगे थोड़ा विस्तार में बताओ? हाँ जी, जैसे गोल्डन रॉक को ले लो आप, ये गोल्डन रॉक अब रिंग में उतरा है तो 10 मिल्क टीथ से लेकर बड़ा घोड़ा चार दांत होते होते ये 10 बार चैंपियन बन गया लगातार. और जब ये ब्रीडिंग के लिए यूज किया इसने, इसको हमने, तो इसका बच्चा एक से बढ़कर एक रिजल्ट निकाला इसने. तो ये दोनों में, दोनों काम में करते है उसने. हाँ. तो आप ये कहना चाहते हो कि जनरली अगर ब्रीडिंग पर उतार दो आप, हाँ, तो घोड़ा बिगड़ जाता है? नहीं, टूट जाता है. बिल्कुल, किसने बोला आपको ये? नहीं, आप ये कह रहे हो कि जो नहीं वो वैसे नहीं भैया, वैसे नहीं. ऐसे घोड़े होते हैं कि जो घोड़े रिंग में जाते हैं ना, हाँ, तो वो कई बार होता है कि वो उसके बच्चे अच्छे नहीं आते, उनके बच्चे अच्छे नहीं बनाते आते. सर उसका ज्यादा रोल हमारी क्या, ये जो सोसाइटी है, मैं हर बार इंटरव्यू में बोलता हूँ कि हम मेल को बहुत प्रोमिनेंस देते हैं, वी नेवर गिव फोकस ऑन मदर. तो मदर भी इंपॉर्टेंट होगी ना. बिल्कुल, अगर बिल्कुल, इसका बच्चा जो इतना नाम रोशन कर रहा है, आई एम श्योर द मदर मस्ट हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर हम जमीन अच्छी नहीं देंगे तो कितना बीज जो कितना महंगा डालो तो कुछ कर नहीं करेगी. इसने बच्चे जो इसके बच्चे जितने आए हैं वो बहुत हाई क्वालिटी घोड़ियाँ नहीं थी वो. अच्छा, वो बहुत अच्छी क्वालिटी घोड़ियाँ नहीं मिली अब तक किसी घोड़े, क्योंकि ये जहाँ से पहले आए वहाँ पर इसको कोई ज्यादा अच्छी घोड़ियाँ नहीं मिली. लेकिन बच्चे इसने ऐसे पैदा किए हैं कि अब मैं आपको यार बता ही नहीं सकता. वाकई में लाजवाब. सर बिफोर वी टॉक अबाउट यू नो द अदर हॉर्सेस, ये हॉर्सेस की डिटेल्स बता दो, फिर इसके बारे में बताए जानेंगे कि कहाँ से लिया आपने. भैया ये इसका नाम गोल्डन रॉक है. और ये कहाँ से आपको? ये हमारे कलर इज नॉट गोल्डन. ये हमारे यहाँ ना घोड़ा है देवराज, सनी भाई के पास रंजिया में, हमारे बहुत अजीज है वो जी. वो उस देवराज घोड़े का बच्चा है उनके पास है, और ये वहाँ से पैदा हुआ था. हमारे पंजाब में एक लखे वाले गांव है भाई जसदीप भाई जी के घर पे, और वहाँ पर इसकी माँ थी जुगनी. ओके, और वहाँ से फिर बिककर ये गया गुजरात में राजू भाई के पास. ओके, वहाँ से हमने परचेज किया बाद में. ओके, हाँ जी. तो ये पहले से नाम रखा है गोल्डन, गोल्डन रॉक राजू भाई ने नाम रखा था. ठीक है, अभी फिलहाल हाइट कितनी है इसकी? ये भाई 65 प्लस है. और उम्र एग्जैक्टली कितनी है? 4.5 साल का होगा. 4.5 साल का. दांतों में जब जो देखते हैं ना, जैसे अपने ब्रीडर लोग या व्यापारी लोग, चार दांत हुआ है. से तो ये कोल्ट और स्टैलियन के बीच में आता है कि अभी स्टैलियन नहीं? अभी स्टैलियन में तो नहीं बोल सकते भाई उसको, अगर हम सही तरीके से देखें तो स्टैलियन नहीं, अभी तो कोल्ट में आई है. रिंग में उतरना होगा तो किस? ये अभी स्टैलियन कैटेगरी में जाएगा, चार दांत हो गया ना ये. चार दांत हो गए. हाँ, चार दांत से जो ऊपर चला जाता है तो वो स्टैलियन कैटेगरी में चला जाता है. ये जो बीच में हम देख रहे हैं, ये आने के टाइम पे डैमेज हो गया स्किन? ये थोड़ा सा गाड़ी में लग गया घोड़ा. ओके ओके. सर आप भी हाइट के दीवाने हो दूसरों की तरह? बिल्कुल भाई, घोड़ों की हाँ? लेकिन हम हाइट के साथ साथ ब्यूटी भी ढूंढते हैं घोड़े को. जब बड़ी हाइट में तो फिर उठे फिर वो ले लो. ये एक और किसी ने बोला, फिर ऊंट पाल लो. ब्यूटी भी जरूरी, ब्यूटी तो चाहिए ना घोड़े में. मारवाड़ी में क्या है भाई, ब्यूटी है, ब्यूटी है. ब्यूटी नहीं है तो घोड़ा किस काम का? और रख लो, बड़ी हाइट के होते हैं. यहाँ पे लाने का उद्देश्य क्या है, रिंग में उतारना ही? देखेंगे भैया कंपटीशन किस लेवल का है. अगर तो कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे जाएगा तो जरूर उतारेंगे घोड़ा, अगर नॉर्मल रहा तो फिर नहीं. ओके, इसका तो नाम बहुत बड़ा है. अगर घोड़ा कंपटीशन में उतरता है, सी आई डोंट नो रियली मच अबाउट हॉर्सेस, कंपटीशन में उतरता है कोई विनर घोड़ा, उसके बाद जब वो कंपटीशन हार जाता है तो क्या उसका नाम खराब होता है? सो द बेस्ट थिंग इज अगर एक बार जीत गया तो दूसरे बार उतारो ही मत वो शो में. नहीं भैया ऐसी बात नहीं, क्यों ना उतारें घोड़ा, नाम से कुछ नहीं होता. वो तो
जिसमें पावर होगी, जो देख रहे घोड़े की अच्छी होगी, अच्छा घोड़ा होगा, वो स्पोर्ट्समैनशिप है। वो तो डरने वाली बात होगी ना, एक बार जीत गए तो घोड़ा घर पे रख लो, क्या फायदा उस चीज का। लेकिन फिर भी जब जीत गया तो आप दूसरों को चांस दीजिए ना थोड़ा। नहीं भाई, दूसरों को चाहिए कि हम उससे ज्यादा अच्छी तरह से केयर करें घोड़े की और हराने की कोशिश करें घोड़े को। ये भी अच्छी, अगर हमने घर पे रख लिया, लोगों ने बोला गोल्डन रॉक तो आएगा नहीं यार, उसके लेवल की केयर करने की क्या जरूरत है। हर चीज का जवाब है आपके पास है ना, माशाल्लाह। ठीक है, जबान में आपकी एक्सपर्टीज है बात करने में। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू बाय द वे। सर, इसकी क्रॉसिंग फी कितनी है? इसकी भाई 51,000 रुपीज़। ये लोग बोलते हैं भाई, ये लोग जो है फार्मर लोग बड़े बड़े, आई एम श्योर इन पे खर्चा बहुत आता है, ब्लड लाइन है, बट इन ऑर्डर टू प्रमोट द ब्रीड द ब्लड लाइन, डोंट यू थिंक द क्रॉसिंग फी जो है यू शुड गेट इट डाउन, सो दैट अच्छे घोड़े ज्यादा लोगों के पास जाए। हम क्या करते हैं भैया, हमारी फीस जरूर 51 है, लेकिन हम ये नहीं करते कि हमारी एक लाइन ही खींची हुई है कि हम 51 लेना ही लेना है, फ्लेक्सिबल है। हाँ भैया, हर किसी का मन होता है कि मेरे घर पे भी एक अच्छा बच्चा पैदा हो, लेकिन लोग कभी ऐसे भी हैं जो ज़्यादा फीस देने के लायक नहीं है, लेकिन यार हर के दिल में ना भगवान बसता है। सर, एक और ये हो जाता है कि एक मरतबा कोई बंदा, कोई फार्मर जो है, इसे क्रॉसिंग कराने के लिए अपनी घोड़ी लेके आया आपके पास, ठीक है, एक बार वो क्रॉसिंग हो गई, नॉट नेसेसरली कि अब प्रेगनेंट हो जाए वो घोड़ी उसी मीटिंग में। हाँ जी, सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, पैसे गए उसके पूरे? नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं प्रेग्नेंट होती तो हम दोबारा अगली नेक्स्ट सीट पे दोबारा फिर घोड़ा फ्री छोड़ते हैं। ओके, एंड दैट विल बी इन द सेम। और एक बात, बहुत से घोड़ों वाले ये कहते हैं कि हम एक हीट में एक जंप देंगे घोड़े को, हमारा कहना ये है कि डॉक्टर जितनी बार बोलेगा, हम चाहे 10 बार डॉक्टर एक हीट में बोल दे तो हम 10 बार घोड़ा छोड़ देंगे। ओके, कॉन्फर्मेशन कब होता है घोड़ी का, यानी कितने दिन के बाद ये जो क्रॉसिंग हो जाती है उसके कितने दिन बाद कॉन्फर्म कर सकते हो कि भाई शी इज प्रेग्नेंट? जो तो स्कैन करने वाला डॉक्टर है वो तो 18-19 दिन की घोड़ी बहुत बता देते हैं भाई, तो जो हाथ से देखते हैं डॉक्टर वो तकरीबन 1 महीने से ऊपर 35-40 दिन की घोड़ी। ओके, सो वैसे हम है कहाँ पर, ये जो नूरगढ़? नूरगढ़ स्टार्ट फार्म भैया मोगा में है, मोगा पंजाब में, और मोगा बाईपास के ऊपर स्थित है ये फार्म। ओके, ठीक है, मोगा बड़ा, अभी मैं बठिंडा में मुक्सर मंडी कवर करने आपसे आता हूँ, जब एक दो बार ऐसा हुआ है कि बठिंडा से बस पकड़ के मैं जाता हूँ मुक्सर, तो मोगा नाम बहुत सुनता हूँ, वो बस कंडक्टर मोगा 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 चिल्लाते हैं, तो दिमाग में बैठ के पता नहीं कहाँ पे डेस्ट का मोगा। बिल्कुल भाई, अभी जब आओगे ना अगली बार नेक्स्ट टाइम तो हमारे फार्म पे रुकना आप इंशाल्लाह। हमारे पास 25 लाख जानवर, बहुत अच्छे अच्छे घोड़ियाँ घर पे। अच्छा, और लाए आपने कितनी वैसे टोटल? लाए पर 6 लाए, 6 लाए, और रखी कितनी है बाकी? 25 है भाई। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम साल में कभी भी आओ, हाँ जी, स्टॉक बराबर रहता है? हाँ जी। हाँ, क्या ये नहीं, हमारे वो सेल परचेज वाला काम नहीं है, हमारे तो घर पे ब्रीडिंग के लिए रखी हुई घोड़ियाँ, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की घोड़ियाँ हमारे। ओके, एक चीज़ सर, आपके पंजाबियों में ये है कि भाई, मैं बहुत लोगों से सुना, अब मैं मुंबई से हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र तो अभी अभी उभर रहा है, लेकिन पंजाबियों में एक चीज़ है कि यू गाइस बिलीव इन सेलेक्टिव ब्रीडिंग, अच्छी नस्ल के लो उसको बनाओ। आई थिंक दैट इज़ वाई पंजाब और राजस्थान का इतना नाम हो रहा है। यह बात ये, जब हम घोड़ा खरीदते हैं ना, तो जब घर पे उसकी केयर करनी है तो जो किसी ब्रीड का नहीं है उसके भी खर्चा उतना ही होना है, और अच्छे घोड़े पे भी खर्चा उतना ही होना है, तो फिर क्यों ना अच्छा ही रखा जाए। एब्सोल्युटली, माड़े 5 पालने की बजाय अच्छा ही रख लो। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड सर। सो दिस इज गोल्डन रॉक, यस, शो में उतरेगा जी, ठीक है, सब कुछ चेतावनी है, देखने वाली चीज है यार, मे द बेस्ट हॉर्स विन डज नॉट मीन कि भाई नहीं जीता तो नॉट गुड, दिस इज अ विनर इन इट्स ओन राइट। बिल्कुल भाई, ठीक है, एब्सोल्युटली स्टनिंग सर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, वी वांट टू द नेक्स्ट हॉर्स, ठीक है, सर ये बात घोड़े पे आने से पहले ये बताइए, ये बार का मेला कैसा लगा, रौनक है बार? रौनक है बार, पर मेरे हिसाब से जो पहले वाली जगह थी ना वहाँ पर ज्यादा अच्छा था, जहाँ तो लोगों को वो यहाँ पे वो डिवाइड हो गया, एक साइड से दूसरे साइड आने मुझे तो बाइक रेंट करनी पड़ी। नहीं वो ठीक है, पर लोगों में उत्साह बहुत देखने को मिल रहा है, वो मेला काफी टाइम बाद मिला है, व्यापारी लोग आएंगे, उनका भी चलेगा काम, वही बात अच्छी है, मेला तो सब अच्छा ही होता है, अच्छा सर, सबका अपना अपना पर्सनल फेवरेट होता है, पुष्कर सारे टॉप क्वालिटी हो घोड़े आते हैं, और जो सेलिब्रेशन होता है वो मुक्सर होता है, ये वर्ल्ड फेमस मंडी है, वो ऐसा लगता है कि भाई हम वाकई में कोई फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, वो चीज लग गया पंजाब वाली, वो मंडी बहुत पुरानी मंडी और बड़ी मंडी है। एक चीज बहुत अच्छी लगती है पंजाब की, व्हेन आई कम टू मुक्सर मंडी सर, वो जो गाड़ी घूमती रहती है और ऊपर यू नो फूड सर्व करते रहते हैं, नोबडी गोज हंग्री, 8 रुपए पे करने की भी जरूरत नहीं, वहाँ पर नहीं है, वो हमारे गुरु साहब की दाद है, देन है वो बेस्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन सर, हां जी भैया, ये वाला बताइए,
खड़ा उदास खड़ा हुआ है। नहीं वैसे ये खड़ा उदास नहीं है, ये बच्चा छोटी उम्र का भी ओके, और अभी ये 22 मंथ का हुआ है और इसका नाम जसबख्श है भाई। जसबख्श है इसका नाम, जसबख्श। और ये पंजाबी नेम है? नहीं ये हमने तो राजस्थान से लिया, छोटा बच्चा स्वाय सिंह जी से लिया था ये बच्चा हमने, और ये स्वाय सिंह जी का ब्रीड किया हुआ बच्चा है, और इसकी माँ विजयदेव की है, विजयदेव घोड़ा प्रभात का भाई है, कन्हैया का बहुत फेमस घोड़ा है वो, और एक खुद शब्दांश का है, और शब्दांश आगे काले कांटे का है, काला कांटा वाली काले कांटे का पोता हो गया, हाँ जी बहुत बढ़िया सर, दो पैर पीछे के सफेद है भाई, ब्यूटीफुल कलर, हाँ जी। एक शैम्पू का कमाल है क्या आपके सब में देख रहा हूँ सर, ये जो बाल है बड़े गजब के, यानी शैम्पू नहीं हमारे जो है ना वो एक तो क्वालिटी बोल सकते हैं आप इस चीज को, ये जो है ना अब हम क्वालिटी बोल सकते हैं फ्रीजन हॉर्सेस के जैसे, हाँ जी हाँ जी, तो वो है ना, बाकी हमारे पास जो लड़के हैं ना वो बहुत केयर बहुत करते हैं भैया, पूरा पूरा दिन मानो हम मार्श में लगे रहते हैं इनकी, आई थिंक हम उन लोगों को ज्यादा प्रमोट करना भूल जाते हैं, मैं बहुत बार गया बड़े बड़े फार्मों पर, ये जो ग्राउंड लेवल पर जो काम करता है घोड़ा बनाने में मेन तो बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे पास केयर करने वाले अच्छे लड़के ना हो तो भाई फिर घोड़े की तो हम कितने घोड़े को देखे हुए एक आदमी, हम मालिक हैं देखो हमारे पास 25 घोड़े हैं, हम 25 घोड़े के पूरे दिन मार्श तो नहीं कर सकते ना, अगर वो लड़के करेंगे तो वही बात बनती है ना सर। एक कोई घोड़ा फार्म खोलता है ब्रीडिंग फार्म, ब्रीडिंग सेटअप, ऑन एन एवरेज मोर्टैलिटी परसेंट कितना होना चाहिए, मोर्टैलिटी यानी साल में एक घोड़ा यू नो एक्सपायर हुआ तो क्या मोर्टैलिटी परसेंट रहेगा, बोले भाई ठीक है कंट्रोल में है हमारा खिलाना पिलाना दवा दारू सब ठीक, घोड़ा तो भाई एक भी एक्सपायर हो जाए, आपके वहाँ कितनी मोर्टैलिटी परसेंट है सर आपके फार्म पे? नहीं मैं हमारे फार्म पे तो भगवान की दया है अभी तक, तो हम तो ये सोचते हैं कि ये हमारी फैमिली है, अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो हमारा तो एक फैमिली का मेंबर जाएगा भाई, आप अभी खुद सोच सकते हो कि इस चीज को हम कितना डीपली लेते हैं। ठीक है सर, इसकी हाइट कितनी है फिलहाल? ये भैया अभी 61 से ऊपर है और 62 से कम है, 61-62 के बीच में के बीच का है बच्चा ये। एग्जैक्ट एज कितनी? इसकी पूरा अभी 22 मंथ का हो गया, 22 मंथ का हो गया, काला कांटा लाइन, काले कांटे का पोता है ये और सप्तांश का बच्चा है। और ये बेचने लाए हो? देखेंगे देखेंगे पक्का नहीं इसका, मैम लाए तो रिंग के लिए इसको सर, कैटेगरी में लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है आपके टेंट पर जो आते हैं? हाँ जी कैसी प्रतिक्रिया है? और कभी कभी सर ऐसा होता है कि आप जब घूमने निकलो तो बोले अरे यार ये मुझे घोड़ा दिख गया अभी तो थोड़ा नर्वस हो रहा है मैं टेंट रिंग में उतरने वाला है, थोड़ा होता है कभी कभी ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं कोई और घोड़ा उतरे तो हम उसको देख कर नर्वस होते? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास क्या तैयारी की हो आपने घोड़े? हमारा ना तो गोल्डन रॉक को हमें कोई नर्वस होने की जरूरत है, एक हमारी बच्ची है पक्का 101%, और उसके साथ हमारी बच्ची है कृष्णा, वो तो चैलेंज वाली बात है, दो दांत में कोई बच्ची उसके बराबर नहीं उतरेगी। ओके हम शो जाने से पहले हमें पता है कि वो तो फंसते हैं सर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसे होता है कि भाई आपका जो घोड़ा घोड़ी है जिसपे आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है वो प्लेस नहीं करता टॉप थ्री में, सो देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग द जजिंग सिस्टम? ये तो हम भैया पूरी उम्र निकल गई घोड़े पालते पालते, हमें भी पता है ना कि हमारा घोड़ा कहाँ पर स्टैंड करता है, अगर हमें लगेगा कि वो घोड़ी आगे निकल रही है तो कोई बात नहीं जाए। तो यहाँ पर ऐसा होता है सर, जैसे मैंने बीच में एक पंजाब का आई थिंक यही साल का अर्ली एक शो देख रहा था ऑनलाइन कोई चैनल पर, कोई टाई हो गया था दो घोड़े के बीच में, आई विल नॉट गेट इनटू कंट्रोवर्सी, लेकिन अपील करते हैं वो लोग वापस से जज, तो यहाँ पर भी होता है पुष्कर में? होता हाँ यहाँ पर, वो किसी भी कॉम्पिटिशन में चले जाओ हर एक जगह पे हम अपील कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि जिस आदमी ने एक शो लेवल का घोड़ा घर पे पाल रखा है उसको इतनी समझ तो है ना कि मेरा घोड़ा उस घोड़े के बराबर है या नहीं है, अगर हमें लगता है तो अपील करो वरना नहीं करनी चाहिए, अगले नेक्स्ट टाइम आओ उसको और तैयार करके लेकर आओ घोड़े को, बेटर करके लाओ। ठीक है चलिए ये हो गया, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, फिर अपनी घोड़ी लगाते हैं सर, आगे आ जाओ, ये तो घोड़ी ये वाला नहीं बताना, नहीं आगे आ जाओ चलिए। सर ये जो है ये मैडोना वडोना ये हमारे घर पे बच्चे आपके घर पे सर? हाँ जी सर, ये मैडोना हमारी वो घोड़ी की बच्ची है नेक्स्ट वाली। अच्छा वहाँ पे खड़ी है, बहुत खूबसूरत है सर, फिटनेस
बहुत खूबसूरत है. आई लव द नेक लाइन, इसकी जो नेक है एब्सोल्युटली स्टनिंग. बस वेरी गुड वेरी गुड. काला पटना से क्या इसकी है? मैडोना नहीं, ये मैडोना की मदर है. ये मैडोना की मम्मी है. ओके, क्या है उम्र मम्मी जी की? इसकी उम्र 9 साल होगी भाई. 9 साल? हाँ जी. और जितने शो में गई है ये फर्स्ट ही है सभी शो इसने किया. बोलते घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है, घोड़ी का क्या है सर? कितने घोड़ी भी कभी बूढ़ी नहीं होती भैया, अगर घोड़ी की डाइट अच्छी हो और इनकी डाइट के हिसाब से एक्सरसाइज चल रही है तो कुछ नहीं होता घोड़े को. घोड़ी को भी कुछ नहीं. सर इसकी क्या खास बात लगती है आपको? इसकी लेंथ सभी घोड़ियों से अच्छी है. पुट्ठा बहुत अच्छा है. गर्दन देखो इसकी, इतनी लेंथ इसको कहते हैं. ये इसी प्रेग्नेंट? नहीं अभी नहीं है. नहीं अभी कंफर्म नहीं हुई है. ओके ओके. हां जी, क्या हाइट है सर इसकी? ये 64 के करीब. तो ये भी गजब की है ना. ये इसके साथ किसी को कराइए तो जाहिर सी बात है रिजल्ट तो अच्छा ही है. ये घोड़ियां भाई अभी तक इस घोड़ी को कभी नहीं हारी किसी जितने शो गई है. ये अच्छा। फर्स्ट करके आई है सारे. और इसने बच्चे इतने अच्छे पैदा किए कि वो भी सभी रिंग में फर्स्ट किए. अभी ये घोड़ा आया है यहाँ पे नवाब, आपने देखा होगा शायद. नवाब की मदर है ये. क्या नाम क्या बोले आपने इसका? मोहिनी है. मोहिनी मैडोना की मम्मी. मम्मी मैडोना की मदर है. और एक इसने बच्ची पैदा करी थी मस्तानी. मस्तानी भी वो एक्सपायर होगी बच्ची. काले कांटे से करी थी वो. और वो बच्ची 5 बार शो गई, 5 ही फर्स्ट थी उसके. ओके, ये सारे जितने हॉर्सेस से आपने रजिस्टर कर लिए? हाँ भैया हमने कर लिया. देखो पुट्ठा इसका एटीट्यूड है इसमें. बिल्कुल घोड़े में होता है, घोड़ी है ना सर, एटीट्यूड. एब्सोल्युटली स्टनिंग. फुल ब्लैक ओनली तिलक जैसा है. तिलक है बस. ठीक है, एब्सोल्युटली स्टनिंग सर. क्या हाइट है सर? ये तो उससे भी ऊंची. ये 65 की बच्ची है भाई तो हमारी. बहुत ऊंची है. मैं वहां से लेता हूं, अंधेरा आ रहा है. सर फोटोजेनिक है, बहुत बहुत फोटोजेनिक है. जिस पोस्चर में ये लोग खड़े हो रहे हैं एब्सोल्युटली स्टनिंग. क्या नाम है सर इसका? भैया ये कृष्णा है. कृष्णा, कृष्णा इस बच्ची का नाम है. और अभी 2 दांत हुई है, 3 साल के करीब की उम्र. 2 दांत है भैया अभी. तो और हाइट 5 अभी करेगी, अभी करेगी भैया हाइट. और कितनी जाएगी सर ये हाइट में? ये अभी हमारे हिसाब से 66 प्लस हो जाएगी. 66? हाँ जी. चीज है सर ये. और इस बच्ची ने अभी तक 5 बारी चैंपियन बन चुकी है भैया. ये लास्ट चैंपियनशिप कब जीते थे? लास्ट रंसी गांव में जीता था 2 टीथ में से. उससे पहले 4 शो इसने मिल्क टीथ में विनर की हुई है. ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग हियर? शो में क्या? नहीं नहीं नहीं, शो के लिए. शो के लिए? हाँ जी, सिर्फ शो के लिए लाई. अभी 2 दांत में उतरेगी ये. वो वाली बताना नहीं, वो वो नहीं. ठीक है, चलिए सर आपका नंबर दे दीजिए हमारी ऑडियंस के. एनीबडी वांट्स टू गेट इन टच विद यू? मेरा नंबर वही है, ऊपर लगा हुआ है भैया. इधर देख लो, चाचा जी का नंबर है, शिव नूर का नंबर है. कौन सा वाला है? सनी गिल भाई का जो नंबर है वो 9814077486. हाँ वो चाचा जी का नंबर है. नूर गिल 705000. छोटे भाई का नंबर 060. हाँ तो वो 9917474096 वाला मेरा नंबर है. योर नंबर? हाँ जी, व्हाट्सएप पर है. हाँ भैया, फोटो वोटो देखनी, किसी को शौक करना है खरीदना वरीदना नहीं, आपको इंस्टाग्राम पेज है आपके फार्म का जहाँ पे फोटो वीडियो डालते रहे. हाँ, तो नूर के नाम, हमारे फार्म के नाम का बना हुआ है, नूरगढ़ स्टड फार्म. नूर स्टड फार्म. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. ओके, थैंक यू. वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू.